हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने, और आपको भी ले चलते हैं घुमाने के लिए। आज बहुत दिन के बाद घूमने जा रहे हैं, तो देखिए सारे लोग तैयार हैं, बिल्कुल जा रहे हैं सब लोग। तो चलिए चलते हैं घूमने के लिए, आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए मेरा चैनल पिंकी की दुनिया। और आज हम लोग कहाँ जाते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और चलिए चलते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको रोड वगैरह। तो देखिए साइड में कितना अच्छा लग रहा है, और थोड़ी धीरे ही चला रही थी मैं गाड़ी, तो इसीलिए देखिए अच्छे से रिकॉर्ड हो पाया है। और आजकल रोड जो हैं हर जगह के बहुत अच्छे बन गए हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है जाने में। और ये वाला रोड जो है बहुत ज़्यादा चलता है, और मैंने बोला कि चलो आप भी देख लीजिए थोड़ा सा, मेरी मम्मी से, मेरे ससुराल से मेरी मम्मी के घर का रोड, तो ये देखिए। और भोपाल के आसपास के रोड जो हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, और बहुत अच्छी कंडीशन है उनकी, और गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आता है इस टाइम में। तो देखिए कितने हरियाली है इस टाइम में, और बहुत अच्छा लगता है। और देखिए हम लोग धीरे ही चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से मैं नहीं चला रही हूँ गाड़ी। तो देखिए कितने आराम से बच्चे जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ रोड थोड़ा सा, कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो ये देखिए चलते चलते बहुत थक जाते हैं, और फिर मम्मी के घर बहुत दूर भी पड़ता है, और बच्चे कभी कभी, आजकल तो बाहर निकलना बहुत कम हो गया है ना, तो बच्चों का एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं बाहर ले जाने पर, क्योंकि बाहर मार्केट तो हम लोग उनको घुमा नहीं पा रहे हैं आजकल, कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ी सी जगह है जहाँ पर, जैसे मम्मी का घर है जहाँ पर सेफ़ रह सकते हैं बच्चे, या कहीं पर और, तो ऐसी जगह थोड़ा बहुत घुमा के ले आते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि हाँ बच्चे ठीक हैं, खुश रहेंगे, सेपरेट हैं और घर के अंदर रहेंगे, बाहर से आने जाने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा घूम करके आते हैं, और मम्मी के इधर भी थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं घूम करके आते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और आसपास रोड के कितना अच्छा लग रहा है, और देखिए दोनों तरफ दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये देखिए अब हम लोग जा कर के बात करते हैं, मम्मी बहुत इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो आज तो मम्मी ने शायद खाना भी नहीं खाया होगा, क्योंकि जब जिस दिन हम लोग जाते हैं ना, तो मम्मी का मन अजीब हो जाता है, बोलती हैं मेरे से खाना खाया नहीं जाता है खुशी के कारण। और जिस दिन हम लोग आने वाले होते हैं ना, उस दिन भी मम्मी का ऐसा ही होता है कि मैं अपने सामने खाना खिला के मम्मी, बैठे बैठे गाड़ी पे थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं, तो रोड के किनारे रुके हुए हैं हम लोग। देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पर, और देखिए मेरी बिटिया रानी भी मास्क लगाए हुए है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे भी देखिए कितने अच्छे, कितना अच्छा लग रहा है, और हवा इतनी अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी, और रोड के किनारे रुकना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो ये देखिए बेटी के, मेरी के पैर दर्द होने लगे थे, तो मैंने बोला चलो वहाँ तक घुमा के लाती हूँ, और साइड में पानी भरा हुआ था, तो पूछ रहे थे बच्चे कि मम्मा इसमें फ़िश है क्या, क्रोकोडाइल है क्या, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत कम बाहर जाते हैं, और बाहर की दुनिया तो उन्होंने बहुत देखी है, बट ऐसी चीज़ें जो हैं अब देख रहे हैं वो, ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, खेत खलिहान कभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जब भी वो लोग देखते हैं ना, तो इतने क्वेश्चन उनके पास होते हैं मन में, कि पता नहीं कितने क्वेश्चन वो लोग करते हैं। तो मैंने बोला चलो पैर आपके दर्द होने लगे तो वहाँ तक मैं आपको घुमा के लेके आती हूँ। बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अपना सीक्रेट आप लोगों को बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वरना आप लोग सोचते रहोगे कि कहाँ जा रहे हैं और बता भी नहीं रही हैं दीदी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि बच्चे थक गए थे बैठे बैठे, बहुत दूर पड़ता है मम्मी का घर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको बता देते हैं कि हम लोग मम्मी के घर जा रहे हैं, और मम्मी के घर आपको घुमाती हूँ मैं, और कैसा है मेरी मम्मी का घर, कहाँ रहती हैं वो, और हम लोग कितना एंजॉय करते हैं उनके घर जा कर के। और वैसे भी शादी के बाद मम्मी के घर जाना तो सबको ही बहुत पसंद है,
और मम्मी के घर मायके जाने की बात तो कुछ और ही होती है जब हम लोग ससुराल से मायके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एकदम खुशी सी महसूस होती है कि हम लोग मम्मी के घर जा रहे हैं, और वो भी कभी कभी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि वो बहुत खुश हैं, आज सुबह से ही बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर आवाज़ आ नहीं रही है, मैं घर पहुँच के बात करती हूँ। देखिए हम लोग मम्मी के घर पहुँच गए हैं, कल शाम में ही पहुँच गए थे, बट बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना सफ़र करके आते हैं कहीं से, तो फिर मन नहीं होता बनाने का, और फिर आते से ही मोबाइल पकड़ लो और बात ना करो किसी से, तो अच्छा नहीं लगता ना। बहुत दिनों के बाद तो मम्मी के घर आते हैं, तो अभी सुबह सो के उठ के आई हूँ मैं, क्योंकि मम्मी के घर आने के बाद ना बहुत नींद आती है, ऐसा लगता है कि रिलैक्स हो गया है सब कुछ। और जो जो लोग मम्मी के घर जाते होंगे उनको पता है कि बहुत दिनों के बाद जब मम्मी के घर जाते हैं तो बस ऐसा लगता है कि आराम करें। और ये मम्मी का जो अभी जो हिस्सा बन रहा है उधर मैं आई हूँ जहाँ पर न्यू घर वो लोग बना रहे हैं, और तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बन रहा है क्या नहीं है, और यहाँ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर, कैसे कैसे क्या क्या होता है। और मम्मी के इधर थोड़ा सा फंक्शन भी होने वाला है कि मम्मी ने जो छत वगैरह इनका घर जब वगैरह बना है तो उसके लिए थोड़ा सा कन्या भोजन वगैरह या फिर जैसे कि कथा वगैरह या पूजन पाठ वगैरह थोड़ा सा होगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए मैं छत पे आ गई हूँ, बहुत धूप है और बहुत हवा भी चल रही है, और देखिए सुबह से ही मॉर्निंग से ही कितनी धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। और बेटा जी देखिए सुबह से क्या चल रहा है हमारे घर, देखिए काइट उड़ाई जा रही है यहाँ भी, दादी के घर भी यही काम था हमारे घर में, और नानी के घर आके भी यही काम है। और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मम्मी के घर जब भी आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत दिनों के बाद हम लोग आते हैं तो बस मेरा तो सोने का ही काम होता है कि बस, और इशू क्या करता है उसकी मासी के साथ बस मस्ती करना पूरे टाइम और अच्छे से इंजॉय करना, इसी तरीके से चलता रहता है हमारा। और मेरी मम्मी के घर के आसपास क्या क्या है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। देखिए इधर भी हमारे जहाँ जहाँ घर है ना सारा कुछ खुला हुआ है सभी जगह, और ऐसा नहीं है कि कहीं कॉलोनी में या भीड़ भाड़ में बने हुए हैं घर, घर जो है पूरे खुले हुए बने हुए हैं, और मम्मी के साइड में तो पूरी जगह खाली है, बहुत दूर तक मम्मी का घर जो है लास्ट है, तो ये देखिए पूरा खुला हुआ है इधर भी, और ससुराल में भी मेरा ऐसा ही है, पूरा घर खुला हुआ है वहाँ का भी और यहाँ भी ऐसा ही है। और अब जब खुले में रहने की आदत पड़ गई है ना तो फिर जब कहीं जाते हैं ना तो फिर घबराहट सी होती है अंदर से, ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम लोग, दो चार कमरे के घर में अगर कहीं चले जाओ, दो चार रूम जिनके पास में हैं, चाहे सब कुछ है उनके पास, कूलर पंखा एसी सब कुछ, बट हम लोगों को खुले में रहने की आदत जो पड़ गई है ना तो छूटती नहीं है। ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा कल से आया है, तब से काइट खरीद लिया है, और अपना जो धागा था घर से लेकर के आया था कि नानी के इधर जाऊँगा वहाँ भी काइट उड़ाऊँगा, तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो, और दोनों बहन भाई देखिए क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं काइट। और शाम को आने के बाद फिर मैंने रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि जब आते हैं ना थक जाते हैं कहीं से आके, और आ करके मोबाइल पकड़ लो ना तो वो अच्छा भी नहीं लगता है कि आए और अपन वीडियो बनाने लगो, आते हैं बहुत दिनों के बाद तो फिर मम्मी वगैरह से बात करते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, और आते से ही वीडियो बनाने लगो तो क्या बोलेंगे लोग, आप लोग समझते हैं इस बात को। तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी यहाँ का भी, और आपको दिखाऊंगी सब कुछ कि कैसा क्या है यहाँ पर, और हम लोग कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और मम्मी के इधर थोड़ा सा कार्यक्रम वगैरह भी होने वाला है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है मम्मी का न्यू घर बन रहा है अभी अभी छत वगैरह डल गई है इसकी, तो ये इसका टूर भी मैं आपको कराऊंगी, दिखाऊंगी कैसा बन रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अपनी लाइफ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और इसी तरह मेरी लाइफ को भी अपने साथ साथ एंजॉय करते रहें। और आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह आपको मैं अच्छे तरीके से हरियाली का एहसास कराती रहूँगी क्योंकि मैं हरी जगह में रहने वाली हूँ जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, और आप लोग बोलेंगे कहाँ जंगल में घूमती रहती हो, ये जंगल नहीं है मेरे घर के आसपास की हरियाली है, देखिए बहुत हरा है, और
तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। और आज के लिए बाय, थैंक यू।